पाकिस्तान, मेरा काम पाकिस्तान, तू आगाज मेरा तू अंजाम, मेरा एक रहना यही कहना, पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। अम का निशान हमारा पाकिस्तान, मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद के शकर पड़ियां ग्राउंड में मरकजी तकरीब, मुल्क मुसल्ला अफवाज की शानदार परेड, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। श्रीलंकन सदर परेड के मेहमान खसूसी थे। तुर्की, मलाशिया, सऊदी अरब, UAE के मुअज्ज़ज़ मेहमान भी तकरीब का हिस्सा। जहाँ का सबक है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहाँ का सबक है तुम्हारी मशल वफा, परोहे शश जिहाद है तुम ही से। फजाओं में हैबत की अलगार रख, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इस्लामाबाद की फजा तैयारों की घन गरज से गूंज उठी, शाहिनों ने हवा के दोष पर उड़ानें भरी और फजा से अपनी वफाओं के नारे सुनाए। पाक फजाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की F-16 पर सलामी। स्काई डाइवर्स ने हजारों फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर महारत का शानदार मुजाहरा पेश किया। धीरे धीरे पाकिस्तान की खूबसूरत धुन बनाते हुए PA की फॉर्मेशन, पाकिस्तान से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत। परेड में मुत्तहिदा अरब अमारात का फौजी दस्ता पहली बार शरीक हुआ। तुर्की के मुसल्ला दस्ते ने भी शिरकत की। उर्दन के मिलिट्री बैंड ने समा बांध दिया। क्वीन ऑफ बैटलफील्ड इन्फेंट्री ने सलामी पेश की। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत का जबरदस्त मुजाहरा। पाक फौज के बहादुर जर्री गयूर जवान तवज्जो का मरकज। चारों सूबों समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोर्स भी शामिल। दिन के आगाज पर वफाकी दारुलहुकूमत में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं। लाहौर में मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। कराची में गवर्नर और वजीर आला सिंध समेत आला हुकाम की मजार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज की लाजवाब कुर्बानियों के बदौलत मुल्क में अमन कायम हो चुका। हमारे एक पड़ोसी मुल्क ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल से खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। हमारी अमन दोस्ती को कमजोरी समझना खतरनाक साबित होगा। अमन और तरक्की के मुखालफिन को खैर सगाली का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के जायज हक के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा, जम्हूरियत पार्लियामेंट की मजबूती, आइन और कानून की हुक्मरानी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मुल्क की तरक्की जम्हूरी निज़ाम के तसलसल और वोट के तकद्दस पे पिन्हा है। पाकिस्तान पुरअज़्म जम्हूरी जद्दोजहद वोट की ताकत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। कुर्बानियों की बदौलत दहशतगर्दी मिट रही है, अमन के उजाले फैल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से तकारीब का सिलसिला जारी। कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाकिस्तानी कौमी तराना भी गाया गया। आसिया अंदराबी कहती हैं, तमाम कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारे दिलों में धड़कता है। जुडिशल मार्शल लॉ की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। ना मार्शल लॉ बाहर से आएगा और ना अदलिया के अंदर से आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार ने वाज़े कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, पाकिस्तान में सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी, आइन से मावरा किसी इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लाहौर ने पाकिस्तान सुपर लीग 3 के मैचेस की कर ली मेजबानी, अब फाइनल मार्के की कराची में हो गई तैयारी मुकम्मल। पेशावर जलमी की टीम शहर कायद पहुंच गई, पुरतफाक इस्तकबाल, शहरियों का जोश व खरोश दीदनी, अहम शाहराहों पर खिलाड़ियों के पोस्टर जाबेजा। एक रोज बाद रोशनियों के शहर में आलमी सितारों का मेला सजेगा।